मेवा पाक जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। टेस्टी क्यों होता है? लड्डू गोपाल को ये बहुत प्रिय है और इसका भोग उन्हें लगाया जाता है। जन्माष्टमी पर ये हर घर में बनाया जाता है, पर अभी लोग मीठा खाना कम पसंद करते हैं, इसलिए इसे हमने बहुत हेल्दी तरीके से बनाया है बिना चीनी के, जो बहुत आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक सूखा नारियल। नारियल को हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके टुकड़े बहुत छोटा ना करें, क्योंकि इसे हमें ग्रेट करना है। टुकड़े बड़े रहेंगे तो ग्रेट करने में आसानी होगा। ग्रेटर का जो मीडियम वाला साइड है, उसी तरफ से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। इसको बनाने में जो टाइम लगता है, नारियल ग्रेट करने में ही लगता है, बाकी इस पाक को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है। जो इसके छोटे टुकड़े निकले हैं ना, इन्हें आप किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से चाकू से काट करके भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो हमने इसे चाकू से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस पाक को बनाने के लिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। इसे हमने बाउल में रख लिया है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज इसे हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो इस पाक के लिए हमने लिया है धागे वाली मिश्री। इसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इस मिश्री को हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसे बनाएंगे देसी घी में। तो यहाँ पर हमने गाय का घी लिया है। आपके पास जो घी हो उससे आप इसे बना सकते हैं। लिया है हमने एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच खसखस। लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप देखें खसखस का कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप बादाम। बादाम को हमने काटा नहीं है, आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में काट करके भी ले सकते हैं। इसे भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप काजू। तो बादाम जब थोड़ी देर भून जाए तभी आप काजू डालें, क्योंकि बादाम भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, काजू बहुत जल्दी भून जाता है। तो दोनों को हम थोड़ी देर भून लेंगे। इसका कलर ना चेंज हो पर ये क्रंची हो जाए। तो ये हमारे बादाम और काजू भून गए हैं। इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी घी में डाल देंगे 1/4 कप मगज, जिसे खरबूजे का बीज भी कहते हैं। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे थोड़ी देर भून लेंगे। तो इसे हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चिरौंजी और साथ में थोड़ी देर भून लेंगे दोनों को। फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसका कलर ना चेंज हो पर इसमें बहुत अच्छा क्रंच आ जाए। तो इसे हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में, पर ध्यान रखें सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें अलग अलग रखना है, एक साथ मिलाकर आप इसे ना रखें। अब इसी बचे हुए घी में डाल देंगे 2 कप मखाना और इसे भी लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो ध्यान रखें सारे ड्राई फ्रूट्स को आप लो फ्लेम पर भूनें, इससे उसका कलर नहीं चेंज होगा और वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। मखाने को चेक कर लेते हैं। आप देखें मखाना बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। हमें इसमें घी नहीं डालना है, क्योंकि नारियल में अपना आयल होता है। तो नारियल बिना घी के भी आप लो फ्लेम पर भून सकते हैं, पर इसे भी हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। आप देखें नारियल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो ये नारियल भूनकर तैयार है। इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हैं। इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये बिल्कुल ठंडा हो गए हैं। अब लेंगे मिक्सी का बड़ा वाला जार, इसमें डालेंगे काजू बादाम और मखाना। इन्हें हम मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखें इसे हमें बिल्कुल बारीक नहीं ग्राइंड करना है, दरदरा सा इसे हमें ग्राइंड करना है। और जो ये नारियल और चिरौंजी मगज है, इसे हम ऐसे ही पाग में डालेंगे, इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है। तो आप देखें इसे हमने बिल्कुल दरदरा ग्राइंड कर लिया है। इसे रखते हैं साइड में।
कढ़ाई में डालेंगे 2 कप मिश्री। यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ में हम डाल देंगे 1 कप पानी। आप इसे चीनी से बनाना चाहते हैं तो इसमें आप डालें 2 कप चीनी और 1 कप पानी। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें एक तार ना बनने लगे, तो ध्यान रखें इसे बीच बीच में चलाते जाएं। चीनी और मिश्री के टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, पर चीनी से ज़्यादा हेल्दी होता है मिश्री, इसलिए आज इस पाक को हम मिश्री से बनाएंगे। अभी आप देखें ये सिर्फ चिपचिपी हुई है, इसमें तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसे हमने थोड़ी देर पका लिया है। आप देखें अब इसमें तार बनना शुरू हो गया है, तार बन रहा है, टूट जा रहा है। तो इसी तरह हमें चाशनी को बनाना है। जब आप पूरा तार वाली चाशनी बना लेंगे तो ये पाक बहुत ड्राई हो जाएगा, इसलिए बस तार बने और टूट जाए इतनी ही देर हमें चाशनी को पकाना है। तो चाशनी हमारा बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ ड्राई फ्रूट, नारियल और मगज चिरौंजी। इसे हम थोड़ा बचा लेंगे ऊपर से डालेंगे और थोड़ा सा खसखस भी बचा लेंगे जिसे हम ऊपर से डालेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। अब इन सारी चीज़ों को इस चाशनी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत जल्दी मिक्स करेंगे ताकि ये ठंडा ना होने पाए। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो पाक अच्छे से सेट नहीं होगा। इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ट्रे में हम लगा लेंगे थोड़ा सा मूँगफली का तेल। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, पर तेल लगाने से पाक बहुत आसानी से ट्रे से निकल जाएगा। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे मिश्रण को और इसे इस ट्रे पर अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ा सा फैलाने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे भुना हुआ खसखस, चिरौंजी और बगज जो हमने बचा कर रखा था। ऊपर से डाल देने से ये पाक देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर ध्यान रखें जब ये गर्म रहे तभी आप इसे डालें, नहीं तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा। स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसे पाक के ऊपर सेट कर देंगे। तो जितना मोटा ट्रे है उतना मोटा हमने पाक को रखा है, आप चाहें तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे हमने सेट कर लिया है, अब इसे रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। इसी तरह हमने कच्चे नारियल से बर्फ़ी बनाई है बिल्कुल आसान तरीके से, जो बहुत जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं देखा है तो लिंक हमने नीचे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। ये मेवा पाक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसे कट कर लेते हैं। तो इसे आप अपने पसंद से किसी भी शेप में और छोटे बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप इसे कट करें। पर ध्यान रखें जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप इसे कट करें। आप देखें ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट कट रहा है। तो इसे हमने चौकोर टुकड़ों में काटा है, क्योंकि चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ मेवा पाक देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आसानी से ट्रे से निकल जा रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बना है ये मेवा पाक। इसी तरह आप सिर्फ नारियल से नारियल पाक बना सकते हैं, उसमें कोई ड्राई फ्रूट ना डालें। आप नारियल को ग्रेट कर लें, उसे थोड़ी देर भून लें और इसी तरह मिश्री की चाशनी बनाएं, तो आपका नारियल पाक भी बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देखा इस पाक को हमने बिल्कुल आसान और हेल्दी तरीके से बनाया है, तो इस जन्माष्टमी पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लीजिए बनकर तैयार है ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मेवा पाक लड्डू गोपाल की भोग के लिए। चलिए इसे अब हम तोड़कर भी दिखाते हैं। आप देखें अंदर से भी ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बना है ये मेवा पाक। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।